संवाददाता सम्मेलन में आए हुए सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और बिहार में नई सरकार का गठन हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री वही हैं। और इस सरकार के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या है और पूरे देश में इसका संदेश क्या है, इसके बारे में हमारे प्रभारी और अध्यक्ष जी ने अपनी बात रखी है। मैं बिहार के मुद्दों पे कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारा मानना है, हमारी पार्टी यह स्पष्ट तौर पे सोच रही है, समझ रही है और इस पर एक्ट कर रही है कि देश में अब दो तरह के वोट हैं। एक वोट जो देश को बेचने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और दूसरा वोट जो देश को बचाने की कार्रवाई को आगे लेकर के जाना चाहता है। देश बेचने और बचाने की जो ये लड़ाई है, ये आप तमाम लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हम सब देख रहे हैं कि सरकारी संपत्ति की लूट और सरकार के दोस्तों को छूट मिल रही है। और देश के जो नौजवान हैं, मैं युवा हूं और राजनीति में हूं, तो यह मेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है कि हम नौजवानों के सवाल को प्राथमिकता से उठाएं। और नौजवानों का मुद्दा ये है, खास करके अगर आप बिहार की बात करेंगे तो देश के 5 सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर वाले राज्यों में बिहार भी शामिल है। बिहार की जो यह बदतर स्थिति है, उसको बेहतर स्थिति में हम कैसे बदलें, यह हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को लेकर के देश के भीतर कहीं भी कोई भी अगर एकता बनाने का प्रयास होता है तो कांग्रेस पार्टी, चाहे दलीय तौर पे उसको कोई नुकसान हो, उस नुकसान को बर्दाश्त करते हुए भी दल से ऊपर देश को रखते हुए उस सरकार को हम गठित करने में, उसको बनाने में और उसको बचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लोग गुना गणित करते हैं, कितना मंत्री मिला, कितने MLA हैं, कौन जो है उप मुख्यमंत्री है। ये सारा गुना गणित तब होगा ना जब देश के भीतर सरकार गठन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलती रहेगी। आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि विधायक जो हैं वो होटल होटल खेल रहे हैं, जैसे कोना कोना खेलते हैं ना बच्चा लोग, वैसे होटल होटल खेल रहे हैं, रिजॉर्ट रिजॉर्ट चल रहा है। और आपने देखा कि बिहार में कोई रिजॉर्ट रिजॉर्ट नहीं हुआ, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। और यही बिहार की खास बात है। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष ने आपको याद दिलाया, सिर्फ इस दौर की बात नहीं है, आप किसी दौर की बात कर लीजिए। जब कहा जाता था कि नंद वंश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, तो एक असली चाणक्य, ये वाले नहीं, बेटा को सेक्रेटरी बना देना जो है, ये चाणक्यपन नहीं है, ये ओछापन है, ये दोहरापन है। जो असली चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सम्राट बना दिए। और हर दौर में आप देखते जाइए, अगर आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम लोग 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं, तो 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह जैसे लोग बिहार में पैदा हुए कि अपना हाथ काट करके नदी में प्रवाहित कर दिए। आप 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को देखिएगा, तो मैं जिस इलाके से आता हूँ उसको बिहार का बारदोली कहा जाता है। आप उसके बाद देखेंगे तो एक इकलौता आदमी एक छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। तो ये जो बीजेपी की लूट का पहाड़ है, उसके दोस्तों के छूट का जो कारोबार है, ये जो बेकार की बात है, उससे एक रास्ता बनाने के लिए रोजगार की बात करना जरूरी है। रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप जब बोलेंगे या सुनेंगे तो महंगाई और भाजपाई आपको सुनने में एक जैसा लगेगा। महंगाई, दंगाई, ये सब जो है भाजपाई शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं। देश को अगर इस परिस्थिति से निकालना है तो हम लोगों को देश के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, उस पर एक्ट करना पड़ेगा। और जब हम सरकार में आए हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करनी होगी कि देश के युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई से त्रस्त जनता को हम लोग बचाएं, सरकारी संस्थानों की रक्षा करें, लोकतंत्र की प्रक्रिया जिंदा रहे कि कल को फिर से जो है कोई चाय, सच्चा चाय बेचने वाला का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री बन सके। नेहरू जी हुए, तभी मोदी जी हुए हैं। तो मोदी जी ऐसी परिस्थिति ना पैदा कर दें
वो कालिदास की कहानी आप लोग सुने होंगे कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने लगे हैं। तो यह जो अलोकतांत्रिक ढंग से लोकतांत्रिक सरकार के गठन का दावा किया जाता है, यह दावा किताबी है, यह दावा फर्जी है। असल में जनमत की चोरी होती है, उस जनमत को भी बचाना है, और सिर्फ सरकार के गठन कर लेने से कुछ नहीं होगा। बतौर पार्टी, बतौर किसी भी गठबंधन का सदस्य, हमारी यह जिम्मेवारी है कि जो घोषणाएं हमने चुनाव के दौरान की हैं उन घोषणाओं को हमको लागू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि दूसरे पे थू-थू करेंगे उससे जो है हम साफ हो जाएंगे। तो रोजगार हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। जब यहाँ हमारे बिहार के प्रभारी और नेता आपको सरकार गठन की बधाई दे रहे हैं, देश में जो इसका एक पॉजिटिव संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना का मनोबल यदि गिर जाए कि हम युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं तो लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। और आप सब ऐसा तो है नहीं कि सामने कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो आप ज्ञानी नहीं हैं और हम थोड़ा ऊंचा कुर्सी लगा ली हैं तो ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी इसी समाज में रहते हैं, आप देख रहे हैं कि महंगाई की क्या हालत है। पेट्रोल पंप पे जब मीटर चलता है ना तो ऐसा धड़कन भी उसी स्पीड से बढ़ने लगता है। मैं तो कहता हूँ कि देश ने सरकार नहीं चुना है, खून चूसने वाला सिरिंज खरीद लिया है। हर मुद्दे पे जो है सरकार से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए। जैसा दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कि पेट्रोल महंगा है, एक तरफ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, महंगाई का दर देश में सबसे ज़्यादा है, एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। PSU को आप उठा करके देख लीजिए, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बहाली किया जा रहा है। कैसा परमानेंट जुगाड़ किया है सरकार ने साहब, कि प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है सत्ता का अहंकार देखिए कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें हैं कि आप 5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वहां आप लाइफ टर्म रिचार्ज चाहते हैं, लाइफ टर्म फुल टाइम रिचार्ज। लेकिन जहां सरकारी नौकरी में परमानेंट की व्यवस्था थी उसको एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। आप जो है अग्निपथ में देख लिए हैं कि क्या हुआ है, 5 साल के लिए मंत्री बनेंगे, 5 साल के लिए MLA बनेंगे, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए मिलेगा। ये क्यों किया गया है? ताकि श्रम की चोरी की जा सके, ग्रेचुटी ना मिले, पेंशन ना मिले, आपको कोई सुरक्षा ना मिले। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर में हो रहा है, सारे सेक्टर में रोजगार की यही हालत है। तो बिहार में आज रोजगार का सवाल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए बेकार की बात, ये मौका है कि कीजिए रोजगार की बात। और ये मौका तब और पैदा हो जाता है जब भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है। ये बात मैं कह रहा हूँ, इस बात को आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस देश में BJP विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती है। ज्यों ही BJP विपक्ष में गई, रोजगार की बात करना शुरू कर दी। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से देश को अपील करना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, ये राजनीति का मुद्दा रहे तो भाजपा को विपक्ष में बिठाइए। भाजपा को ज्यों ही विपक्ष में बिठाइएगा और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के आपको रोड पे दिख जाएंगी। भाजपा को अब ज्यों ही विपक्ष में बिठाए बिहार में, तुरंत वहां पे रोजगार की बात होनी शुरू हो गई। 10 लाख 20 लाख, जब 10 लाख और 20 लाख का बात होगा तो 2 करोड़ रोजगार का भी बात होगा ना। तब देश का बहस जो है वो हिंदू मुसलमान से निकल करके काम पे आ जाएगा। जब काम पे बात होने लगेगी अपने आप हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगी। तो जो देश के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर देश में बात हो। और जो एक अंधेरे का वातावरण बनता जा रहा था ना कि भाजपा तो अजय है, इसको हराया नहीं जा सकता है, ऐसा ये बिहार है, संभल के रहिएगा, यहाँ पे लोग जो है ना उड़ती हुई चिड़िया का पर जो है गिन लेते हैं, अपना आप सूटकेस लेके घूमते रह जाइएगा। हम अपना श्रम बेचते हैं, पूरे देश में जाकर के मजदूरी करते हैं, श्रम बेचते हैं, ईमान नहीं बेचते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और जब भी देश में अंधेरा बढ़ता है तो आशा की किरण बिहार से आती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश में एक मजबूत विपक्ष का संदेशा बिहार ने दिया है। देश के युवाओं से अपील है कि आपका मुद्दा रोजगार है, देश के आम लोगों से अपील है कि आपका मुद्दा महंगाई है, इन मुद्दों पर राजनीतिक विमर्श हो और उस विमर्श को
बतौर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते इसको हम जिम्मेवारी से निभाएंगे और देश के जो सवाल हैं, जो सकारात्मक मुद्दा है, जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, उसको हम ले जाने का प्रयास करेंगे। बिहार में कहावत है, चलनी दुसलग सूप के, जिस चलनी में अपने 75 छेद हो वो दूसरे का छेद दिखा रहा है। बताइए, देश के गृह मंत्री पे तरीपार होने का आरोप नहीं है, तरीपार थे, और वो बाहुबल की बात कर रहे हैं। बेईमानी से विधायक को ऐसा लग रहा है जैसे पार्सल का पैकेट हो, कभी असम जा रहा है, कभी गोवा जा रहा है। ये बाहुबल नहीं है, ये आपराधिक काम नहीं है। और बिहार में कौन ऐसा दल है, कौन ऐसा दल है कोई दल? ये सब मुद्दा भटकाने की बात है। मैं तो नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। नीतीश जी अपने एक कार्रवाई से ना बहुत लोगों का कैरियर सेट कर देते हैं। अभी देखिए कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, गठबंधन के साथ ही बदल लिए हैं, ठीक है, तो सुशील मोदी जी भी मीडिया में आने लगे हैं। उन्हीं का पार्टी ने उनको साइड कर दिया था। कौन उनको डिप्टी सीएम के पोस्ट से हटा दिया? नीतीश जी हटा दिए कि यही लोग हटा दिए? देखिए, ये सब ना हमारे यहाँ कहावत है, छपास का बीमारी होता है कुछ लोगों को, कुछ भी पकड़ करके कुछ भी बोलेंगे। अरे कोई लॉजिक का बात कीजिए। राजनीति में कौन ऐसा नेता है जिस पे केस नहीं होता है और सारे केस सही होते हैं? किसी के पास 18 मुकदमा है, 17 मुकदमा है, आप चुनाव लड़िएगा, कोई आप कैंडिडेट हैं, आपको पता भी नहीं है, बिजली के पोल पे जो है कोई झंडा लगा दिया है, आचार संहिता का उल्लंघन हो गया, आपके ऊपर केस हो गया, और आप अपीयर नहीं होइएगा, आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। कानून की अगर बात कर रहे हैं तो कानून की भाषा में बात कीजिए। कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं है जब तक मान्यालय ने उसको अपराध साबित नहीं कर दिया हो। ये सब राजनीतिक छिटाकसी है। हम आज पॉजिटिव मुद्दे को लेकर के आपके बीच आए हैं और हम चाहते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट का जो भाजपा का तरीका है ना, उसमें हाथ जोड़ करके आप भी मत पड़िए। आज सवाल बिहार के विकास की होनी चाहिए। बिहार में 12 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पलायन है, तमाम विभाग में रिक्तियां पड़ी हुई है, पीएचसी में जो है डॉक्टर नहीं है, स्कूल में जो है टीचर नहीं है, उन सारी रिक्तियों को कैसे भरा जाएगा, नौकरियां कैसे मिलेगी, रोजगार के नए साधन कैसे पैदा होंगे, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे लगाया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा। पंजाब में जाकर के धान काट सकते हैं और अपने खेत में जो है धान नहीं उगा सकते हैं, दूसरे शहर में जाकर के रोड बना सकते हैं, अपने राज्य का सड़क नहीं बना सकते हैं, गुड़गांव में जाकर के आप जो है कॉल सेंटर में जाकर के काम कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में काम कर सकते हैं, पटना में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है, मुजफ्फरपुर में कॉल सेंटर नहीं खुल सकता है। पॉजिटिव बात कीजिए। 20 साल से तो भटका ही रहे हैं बिहार के ये लोग, और ये भी सरकार में शामिल थे। कोई मुकदमा नया हुआ है? जब आपका सरकार था, अभी कुछ ही दिन पहले था ना, तू तू मैं, इसका कोई जवाब है? मैंने ये अगर हम भी कहेंगे तो गलत होगा कि नीतीश जी जब भाजपा के साथ रहेंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे और हमारे साथ आएंगे तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएंगे। ये सब राजनीति में चीज़ों को भटकाने की बात है। और ये ना ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। और ये जो ब्रिटिशर्स के साथ जासूसी करते थे, इनका रूल है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्जन में मत फंसिए, मुद्दे की बात कीजिए। किसी के ऊपर अगर कोई केस है तो न्यायालय उस पर फैसला करेगी, पुलिस उसको पकड़ेगा। जबरदस्ती से न्यायपालिका का सवाल कार्यपालिका पे ले आइएगा, कार्यपालिका का सवाल विधायिका पे लेके चले जाइएगा, ये तो वही बात हो गई ना। वित्त का जवाब जो है रक्षा मंत्री दे रहा है, रक्षा मंत्री का जवाब जो है वित्त मंत्री दे रहा है, और जिसको बोलना चाहिए, जिसको घूमना चाहिए, वो नहीं बोल रहे हैं, वो घूम नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेश मंत्री बन करके जो है वास्को डिगामा की तरह दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। जिम्मेदारी फिक्स होना जरूरी है, और हमारी जिम्मेदारी ये है एज ए अलायंस पार्टनर कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो डिलीवरेबल कैसे हो, जनता के बाद पास जो है वो कैसे पहुंचे, ये मुद्दा हमारा है। प्लीज किसी तरह के डाइवर्जनी ट्रैक्टिस में हम लोगों को फंसने की जरूरत नहीं है। गड़बड़ा गए सर आप, नहीं आप गड़बड़ा गए, क्योंकि आप मेरा बात कौन भाषण समझ लिए। भाषण सुनना था तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री का सुनते, कि जिस दिन बोले नारी का सम्मान होगा उसके बाद बलात्कारियों को माला पहनाया गया। हम भाषण नहीं देते हैं, गड़बड़ा गए इसीलिए सवाल पूछने में। बाय इलेक्शन कवर किए थे ना, यहाँ प्रभारी बैठे हुए हैं, साथ में चुनाव लड़े थे कि अलग में लड़े थे? है ध्यान आपको? बिहार में अभी बाय इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस और आरजेडी अलग लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? कोई परसेप्शन बना लीजिएगा, उसी पे खेलते रहिएगा। कोई बॉल आएगा छक्के मारना है, फैक्ट की बात कीजिए। अध्यक्ष अलायंस में नहीं थे,
अलायंस में थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अलायंस में नहीं भी थे। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह से राजनीति चलते रहती है। और अगर आप इतना फैक्ट की बात कीजिएगा, भाषण नहीं समझिएगा, अगर उसको फैक्ट समझिएगा, तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी जो कभी बीजेपी के साथ नहीं गई है। तो क्या इस देश में कोई राजनीतिक नया राजनीतिक पटकथा नहीं होगा? जीवन में कोई घटनाक्रम नहीं होगा? आप बच्चा से जुआन नहीं हुए हैं तो जुआन से बूढ़ा नहीं होइएगा? ये तो जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम अभी का बात बता रहे हैं आपको। MLC का चुनाव हुआ था अध्यक्ष जी, हम RJD के साथ नहीं थे, अलग चुनाव लड़े थे, 20 साल से साथ में हैं। ऐसे नहीं कीजिए सब, फैक्ट की बात कीजिए। अरे वैसे फिर आप महीना जोड़िएगा। हम अभी बता रहे हैं आपको कि हम MLC में अलग अलग चुनाव लड़े हैं, बाय इलेक्शन में अलग चुनाव लड़े हैं। ऐसे ही देखिए, बात को घुमाने के लिए तो कुछ भी बोल देंगे, लेकिन फैक्ट का बात यह है कि ये सरकार एक मुद्दे पे बनी है। वो मुद्दा ये है कि देश के अंदर जिस तरीके से जनमत की चोरी हो रही है, उस पर एक मुकम्मल प्रतिकार हो, और जो जनता के, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, उसको हम लोग डिलीवर कर सकें। थैंक यू।